नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप दुल कैथल ब्रेकिंग टीवी से। दोस्तों, आज पुंडरी में कांग्रेस के पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने विभिन्न कार्यक्रम के दौरान शिरकत की। आज उनके चाय पानी के प्रोग्राम रहे। आइए अंदर चलते हैं और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानते हैं कि क्या कुछ किस चीज़ों को लेकर के कार्यक्रम थे। इसमें बेरोजगारी में नंबर एक का कलंक आज इस सरकार की कार्यशैली पर लगा है, तो ऐसे में हम यही सरकार से, हमें आशा नहीं है लेकिन हम मांग करते हैं कि सरकार अपने वायदों को पूरा करे। सरकार ये जो तमाम वायदे हैं, बुढ़ापा पेंशन का वायदा है, पुरानी पेंशन स्कीम का वायदा है, और वायदों को पूरा करने से भी आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हरियाणा में बेरोजगारी इतनी व्यापक हो गई। इकोनॉमी को, हरियाणा को रिवाइव किया जाए ताकि रोजगार, निजी निवेश भी हो। दो ही सेक्टर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। निजी निवेश भी और सरकारी क्षेत्र के अंदर भी व्यापक रोजगार हमारे हरियाणा के युवाओं को मिले। दुर्भाग्य स्थिति ऐसी हो गई कि आपने देखा होगा अभी आज पोस्ट निकली पानीपत कोर्ट में प्रोसेस सर्वर की, उसके लिए 5 लाख करीब लोगों ने आवेदन किया। ये स्थिति आज हरियाणा की है। हालांकि हमें आशा ज़्यादा नहीं बची सरकार से, क्योंकि इन्होंने 8 साल जो कार्यशैली दिखाई है उसके इन्होंने हरियाणा को की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। कर्जा 3 गुना, लेकिन एक भी कोई बड़ा कोई प्रोजेक्ट, कोई निवेश, कोई इंडस्ट्री, कोई बहुत बड़ा शिक्षा का संस्थान हरियाणा में, मतलब कोई एक ऐसा बड़ा निवेश का प्रोजेक्ट काम हुआ नहीं, कोई एक बड़ा राहत का काम नहीं। जैसे हमारे समय कर्जे माफ हो रहे थे, 100-100 गज के प्लॉट आ रहे थे, गरीबों के मकान आ रहे थे, ना कोई किसी वर्ग के लिए कोई राहत का कोई कार्य हुआ और ना इन्होंने अपना कोई वायदा पूरा किया। पंजाब स्केल का वायदा था, पुरानी पेंशन स्कीम का वायदा था बहाली का, और 5,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन का वायदा था, ना वायदे पूरे किए, ना कोई हरियाणा को विकास की तरफ लेके गए। हरियाणा की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारा, 3 गुना खर्चा, और हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर एक पे पहुँचाने का काम किया। तो जयपाल जी से मैं एक बात कहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी मामला हो, हम उस पर राजनीति नहीं करते। ये हमारा जो है एक सिद्धांत रहा है, ये राजनीति से ऊपर उठ के मामला है, लेकिन इसमें सरकार पे दोहरी जिम्मेदारी है। अभिभावकों से भी, माता पिता से भी टच में रहे, उन बच्चों से भी टच में, ये जिम्मेदारी सरकार को अच्छे से निभानी चाहिए थी। कहीं ना कहीं बच्चे ये कह रहे हैं कि एम्बेसी फ़ोन नहीं उठा रही, और हमसे भी बहुत से बच्चे टच में आए, हमने फ़ोन भी उठाया, सारी बात करी, क्योंकि ये 20,000 बच्चे थे शुरू में अनुमान, थोड़ा सा उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो उन लोगों से और उनके माता पिता से डायरेक्टली टच में लाने के लिए MEA में इनफ स्टाफ है, MEA में इनफ स्टाफ है, नहीं स्टाफ है तो आप जिम्मेदारी लगा दो जो है, और उनसे कम से कम उनको सारी चीज़ को बताते रहे, उनके टच में रहे। ये दोहरी जिम्मेदारी सरकार की है। अभी इस पर मैं सरकार कितना पूरी उतरी नहीं उतरी उस बात पर मैं कोई राजनीति नहीं करूँगा, लेकिन मैं कहूँगा कि ये चीज़ स्वीकार्य नहीं है। किसी का कोई कहे कि हमारा फ़ोन नहीं, MEA ने, हमारा एम्बेसी ने फ़ोन नहीं उठाया, वो हमारे देश के नागरिक हैं, उनको बचाने की प्राथमिकता सरकार की हो, उसके लिए सरकार कदम उठाए। कौन सा जिम्मेदार है अर्थव्यवस्था चौपट करने के लिए? तो हमारी मांग है सरकारी बजट में कम से कम अपनी 8 साल की कार्यशैली को बदलते हुए कुछ सकारात्मक कदम उठाए, कुछ दूरदर्शिता के कदम उठाए। आप खुद ही बताएं कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट इन्होंने किया, पहली बात तो ये। दूसरा मुद्दा है 5 प्रदेशों का है, जिनके चुनाव 10 को जिसके नतीजे आएंगे, हमें विश्वास है कि लोग भाजपा का घमंड तोड़ेंगे। इन 5 प्रदेशों में जो नतीजे आएंगे उसमें भाजपा घमंड तोड़ा जाएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि 5 में से 4 प्रदेशों में कांग्रेस बहुमत की तरह बढ़ेगी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब, और उत्तर प्रदेश में भी BJP तो जाएगी, और जो नई सरकार बनेगी, बदलाव जो निश्चित होगा, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी भूमिका रहेगी। ऐसा हम ऐसी आशा करते हैं। 10 मार्च को नतीजे आएंगे, तो ये आज दो मुद्दे जो अगले 2 दिन के हैं। जयपाल भाई, पूरी लंबी लिस्ट है, मैं वो पूरी लंबी लिस्ट आपके साथ शेयर करूँ। कितनी तो रद्द करती, कितनी जो है लगभग 30 से करीब तो पेपर लीक हुए, जो व्यापम से भी ज़्यादा है।
और पेपर लीक के साथ साथ जो रद्द करी या जो नहीं निकली, जेबीटी वाली आपको पता है भर्ती नहीं हुई, हमारे समय लास्ट हुई थी जेबीटी, उसके बाद 8 साल हो गए जो हर साल लोग जो जेबीटी के जो पात्रता क्लियर करते हैं वो कहीं ओवर एज हो गए, उनका भविष्य चौपट हो गया, पहली बार है कि 8 साल था, और जबकि वैकेंसी पड़ी है वो भर्ती नहीं कर पा रही सरकार, और सरकार ने एकाधी करी जैसे ग्रुप डी के उस टाइम एक लिस्ट निकाली थी, उस पर सरकार ने इनका बजाया कि 4 साल हमने कुछ नहीं किया, पिछली सरकार की बात बता रहा हूँ, आखिर में जाके वो भी आपने देखा होगा, उसमें भी जो स्पोर्ट्स कोटा के थे 1600 उन पर तलवार लटक गई, कितने छोड़ गए, तो स्थिति आज भयावह हो चुकी है। सरकार ने HPSC का जो घोटाला कितना खुलेआम, पहली सरकार है, HSSC का भी घोटाला आया, HSSC में जब छापा पड़ा तो लिस्ट निकली कि भाई PN के इतने, कंडक्टर के इतने, ड्राइवर के, और उसके बाद जब HPSC पे छापा पड़ा, घोटाला पड़ा, तो वहाँ भी लिस्ट निकली कि ANM के इतने, HCS प्रीलिम क्लियर कराने के 40 लाख, ANM के 20 लाख, क्लर्क के, BDS के इतने, क्लर्क के इतने, तो कहने मतलब ये है कि परचून की दुकान में जैसे साबुन, तेल, चीनी और दाल के रेट तय होते हैं, ये सरकार HPSC और SSC ये रेट तय करके, तो आपका विश्वास, क्या युवाओं का विश्वास जम सकता है ऐसी व्यवस्था पे जब छापे? और सुनो सबसे बड़ी बात, कितना खुला मामला है, जब छापा हुआ तो HPSC में बैठे हुए जो अधिकारी थे, जॉइंट सेक्रेटरी, जिनकी कोई पद नहीं था, पद बनाया गया था, फिर उनको लगाया गया था मुख्यमंत्री द्वारा स्पेशल, उनके दफ्तर में 1 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई, मतलब उन्होंने घर जाने की इंतजार नहीं करी, आप सोच सकते हैं कितना खुला क्या मामला चल रहा है, और फिर हम पे, हम प्रदेश के युवा ये मतलब इन पे विश्वास करें, तो भर्ती प्रक्रिया जो सरकार की रही है वो प्रक्रिया से आज प्रदेश के युवा के भविष्य के को लेकर निगरानी साहब करती है नहीं, जैसे सरकार 15-15 लाख की बात करती थी, काला धन लौटाने की बात करती थी, 2 करोड़ हर साल रोजगार दिलवाने की बात करती थी, ऐसे ही 2022 तक आय दुगनी करने की बात करती थी, 22 जब से आया है तब से वो बात नहीं कर रही सर, क्योंकि आय तो दुगनी हुई नहीं, किसानों का खर्चा दुगना हो गया, किसानों पे आज आप खुद देखे डीजल, खाद का रेट कट्टा महंगा हो गया, वजन 5 किलो का, हर तरह के कृषि इनपुट्स की कीमत बढ़ गई, और जो किसान को जितना मिलना चाहिए था इजाफा MSP में भी, और जो गैग, जो MSP के अलावा जो एक्सपोर्ट के वैराइटीज़ हैं, या जो प्रदेश के अंदर जैसे गन्ने का रेट स्टेट गवर्नमेंट तय करती है कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से, वो इजाफा भी नहीं मिल पाया।